नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। वेटरनरी डॉक्टर गैंगरेप मर्डर केस में जो आज हुआ है वो इससे पहले शायद कभी ना हुआ हो। जब एक लड़की के साथ गैंगरेप, मर्डर और फिर उसके शरीर को आग के हवाले कर देने वाले खूंखार अपराधियों को मात्र 10 दिन के अंदर ही सजा मिल गई। उसी जगह उन चारों आरोपियों को मौत मिली जहां पर उन्होंने वेटरन डॉक्टर के शव को आग के हवाले किया था। पुलिस तो सीन को रिक्रिएट करने की मंशा से चारों आरोपियों को मौके वारदात पर लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने वहीं मौके पर ही उन चारों का एनकाउंटर कर दिया, जिस पर भारी तादाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो तेलंगाना के कानून मंत्री ने चारों आरोपियों के एनकाउंटर पर टिप्पणी की। इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि भगवान ने न्याय किया, आरोपियों को भगवान ने उनके किए के लिए सजा दी। आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें मार गिराया गया। इससे हैदराबाद समेत पूरे देश में खुशी का माहौल है। रेड्डी का तो ये भी दावा है कि आरोपी पुलिस से हथियार लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। वहीं यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने यूपी पुलिस को सीख देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद पुलिस से यूपी पुलिस को सीख लेनी चाहिए। इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जो फिलहाल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन पर है। मालीवाल ने कहा कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। वहीं पीड़िता के पिता का भी मामले को लेकर बयान सामने आया है। कहते हैं, मेरी बेटी को गुजरे 10 दिन हो गए हैं। मैं पुलिस और सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मेरी बेटी की आत्मा को अब शांति मिल गई होगी। निर्भया की माँ भी इस एनकाउंटर से काफी संतुष्ट नजर आई और उन्होंने कहा कि मैं भले ही 7 साल से अपनी बेटी को इंसाफ मिलने के इंतजार में हूँ, लेकिन हैदराबाद की बेटी को इंसाफ मिला, इससे बेहद खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस भी बच्ची के साथ अपराध को अंजाम दिया जाता है उसके दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। वहीं जब एनकाउंटर होने के बाद एक छात्राओं से भरी बस मौका वारदात से गुजरी तो वो अपनी खुशी को जाहिर करने से रोक नहीं पाई। उन्होंने हूट करके अपनी खुशी को जाहिर किया। इन सब के अलावा ट्विटर पर भी हैशटैग एनकाउंटर ट्रेंड करने लगा है और लोग पुलिस की इस बहादुरी के लिए उन्हें जमकर शाबाशी दे रहे हैं। अश्विन मौर्य नाम के शख्स को तो फिल्म सिम्बा का वो डायलॉग याद आ गया जिसमें कहा गया था, जब तक ये रेपिस्ट लोगों को अपन पुलिस लोग छोकते नहीं ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ओग्जोमिया जियोरी नाम के यूजर ने लिखा, कंग्रेचुलेशंस हैदराबाद सिटी पुलिस, गुड जॉब, द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। शाहरुख अहमद ने लिखा, दैट्स इट, नो जुवेनाइल कोर्ट्स, नो लॉयर्स, नो डेट्स, नो मर्सी पिटिशंस, जस्टिस डिलीवर्ड ऑन द स्पॉट। वेनबा नाम के ट्विटर यूजर ने चारों आरोपियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा, व्हेन आई वोक अप टू दिस, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, नाउ रेस्ट इन पीस दिशा। दबंग अफजल नाम के ट्विटर यूजर ने तो साइबराबाद सीपी सजनार की फोटो शेयर करते हुए लिखा, यू आर अ हीरो सर, वी नीड मोर पुलिस ऑफिसर्स लाइक यू एवरीवेयर इन आवर कंट्री, दिल खुश कर दिया यार, से नो मोर मर्सी विद रेपिस्ट। योगिता भयाना नाम के ट्विटर यूजर ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, फाइनली yes, इस दिन को एक नए युग की शुरुआत कहा जा सकता है जहां भारत में बच्चे और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस तरह तुरंत न्याय गंदे दिमाग में भय पैदा करेगा, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया है। तो देखा आपने किस तरह से लोग महिलाओं के लिए आए दिन होती अपराध की घटनाओं से त्रस्त हैं और चाहते हैं कि दोषियों को, ऐसे हैवानों को इसी तरह की तुरंत सजा दी जाए। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस एनकाउंटर केस पर आपकी क्या राय है, कि आप खुश हैं कि इस तरह से हैदराबाद में जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले गैंगरेप मर्डर केस के आरोपियों को पुलिस ने सजा दी जब उन्होंने पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश की।